Hello everyone welcome to biology lecture myself Samnath Palichai here and today we are going to start with our new chapter from the class 12th NCRT that is reproduction in organisms. Okay so what is the name of the chapter now reproduction in organism. Now in this chapter since it is the first part you can say of the uh, NCRT and it is belongs to the फर्स्ट यूनिट एज वेल ओके सो दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन से द ओवरऑल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ओके विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्शन बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन शॉर्ट अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ यहाँ पे या बताने के बारे में सोचूँ तो ये आपको एक ओवरऑल रिप्रोडक्शन uh, के बारे में एक बेसिक आइडिया देगा ठीक है और यही सारी आइडियाज को हम लोग आगे

तो एक इंडिविजुअल की जो लाइफ स्टार्ट होती है ना फ्रॉम द बर्थ से लेके डेथ तक दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज ए लाइफ स्पैन ओके तो ये टॉपिक क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं क्या आते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है सो अभी इन क्वेश्चंस को कैसे पूछा जा सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो आपके स्क्रीन पे बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स रखे हैं साथ में उनके नीचे मैंने लाइफ स्पैन भी मेंशन है ठीक है तो ये ही लाइफ स्पैन विद एग्जाम्पल्स आपको कुछ याद करने की मेहनत लेनी पड़ेगी क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि मे फ्लाई इनकी जो बात करें तो ये एक दिन की लाइफ स्पैन है ओके okay? बटरफ्लाई की बात करें सो वन टू टू वीक्स फ्रूट फ्लाई की बात करें दैट इज़ अ ड्रॉस ऑफ फिला राइट वन मंथ इनकी लाइफ स्पैन होती है राइस प्लांट की चार महीने की होती है वीट की बात करें तो फाइव मंथ्स की होती है ठीक है वैसे ही आपके स्क्रीन पे आ रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज अ रोस टेन ईयर्स क्रो की बात करें तो फिफ्टीन ईयर्स बनाना ट्री इज दैट ट्वेंटी फाइव ईयर्स की उनकी लाइफ स्पेन होती है काव ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड होते हैं वो लोग ओके नेक्स्ट डॉग अगेन ट्वेंटी फाइव ईयर्स क्रोकोडाइल सिक्सटी ईयर्स हॉर्स फिफ्टी ईयर्स ओके ये यहाँ पे जो है ना इसलिए आपको ये क्राइटेरिया है एलिफेंट्स की जो है वो सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव ईयर मानी जाती है पैरेट की 140 है, देखो अभी तक के लिस्ट में ये सबसे ज्यादा दिख रहा है लेकिन इसी के साथ में एक और कम्पेरेटिवली बंदा आ गया है दैट इज हंड्रेड टू वन दैट इज अटेस और इनके भी कंपेरिटिवली अगर सबसे ज्यादा बात करें तो मैनियन दैट इज अ टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड ईयर्स ओके दैट इज वन मोर एग्जाम्पल कॉल इज अ सिको ट्री ओके जिसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो है थ्री थाउजेंड टू फोर थाउजेंड ईयर्स ओके तो सबसे ज्यादा जो लाइफ स्पेन दिखा रहा है अभी तक के एग्जाम्पल में दैट इज अ सिको ट्री दैट इज अ थ्री थाउजेंड टू फोर थाउजेंड ईयर्स ओल्ड ठीक है और बैन एन ट्री दट इज अ टू 300 टू थ्री और जो मैक्सिमम 100 क्रॉस कर रहे हैं हमारे स्क्रीन पे दैट इज अ पैरेट एंड द टोटर्स अंदर टू एग्जांपल्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओवर योर ओके तो ये अप्रॉक्सिमेटली एक पर्टिकुलर नंबर्स थे आपके स्क्रीन पे ठीक है अभी लाइफ स्पेन का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है अभी हम लोग यहाँ से चैप्टर के अंदर एंटर करने वाले हैं ठीक है तो ध्यान देना आधी से ज्यादा चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता है आप लोगों ने ऑलरेडी सीखी है बस अभी यहाँ पे क्या है ना हम लोग उसको सिक्वेंस में पढ़ते जाएंगे ओके okay? और क्वेश्चन भी आपके कुछ इसी तरीके से बनते हैं तो रिप्रोडक्शन इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रीजन क्या है क्योंकि हमेशा जो रिप्रोडक्शन जो होता है एक्टिविटी और जो नए ऑफ बनते हैं वो जो ऑफ होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग फर्टाइल हो राइट right? उनमें से कुछ टेराइल निकलते हैं मीन्स दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस राइट प्रोड्यूस सिमिलर टूमसेल्व सही बात है अभी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जब भी टॉपिक आता है सबको पता होता है ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक आते हैं ठीक है तो आपके स्क्रीन पे जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ वो है से आपको इसको डील करना है ठीक है अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं ऑस्प्रिंग जो भी बनते हैं यहाँ पे ट दट इज विदउट गैमेट तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं सिंगल पेरेंट से ही काम हो, जाता है। अगर हो रहा है तो मैं कॉपी को एक और नाम दे सकता हूँ ना क्लोन करके बात समझ में आ रही है सो क्लोन कैन बी प्रोड्यूसर हिस्सा ओनली माइटोटिकल डिविजन शुलेकिंग प्लेस ओवर हिस्सा

Remember, right? So these two offsprings are actually produced over here by the process called as a mitosis. Fine. Now see, आप binary fission के अंदर जाओगे, जितना अंदर जाओगे इसके उतना ही आपके सामने questions खुलते जाएंगे. तो binary fissions के types आ गए आपके screen पे. तो सबसे पहले आता है simple binary fission. Okay? It is irregular kind. हमेशा याद रखना. यहाँ पे example आएगा आपको अमेबा. ओके okay, क्या एग्जांपल आएगा अमीबा आएगा ऑकर्स थ्रू ओनली वन प्लेन ओके एक ही प्लेन के थ्रू ये सारा एक्टिविटी होगा अमीबा इज द एग्जांपल ओवर हियर इट इज अ इररेगुलर काइंड ऑफ बाइनरी फिशन ओके लोंगिट्यूडिनल बाइनरी फिशन इट इज टेक प्लेस इन द फ्लैजिलेट्स ऑर्गेनिज्म ओके लोंगिट्यूडिनली स्प्लिट हो जाना ओके okay? एग्जांपल है आपके सामने यूग्लीना Fine. और एनिमल के, well right? के जैसे इसके पास बाहर की वॉल नहीं होती ओके okay? और जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह इसमें प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसलिए यू कैन से इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स ओके नेक्स्ट फ्लैज डिवाइड फर्स्ट एंड देन बॉडी विल डिवाइड ओके तो सबसे पहले जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इंटू टू वर्टिकल स्प्लिटिंग बॉडी ओके एंड थिंग्स विल बी डिड टू टूर फॉर एग्जाम्पल यूर टू स्टडी ओवर पैरामेशियम प्लेनेरिया डाइटम्स एंड बैक्टीरिया अंडर गोस अ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन ओके अब नोट क्या बोलता है इन पैरामेशियम मेगा न्यूक्लियस डिवाइड बाय ए माइटोसिस एंड माइक्रो न्यूक्लियस माइटोसिस यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है पैरामेशियम को लेके ये नोट क्यों है देखो पैरामेशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं बड़े वाले साइज वाले न्यूक्लियस को कहा जाता है मेगा न्यूक्लियस और छोटे वाले न्यूक्लियस को कहा जाता है माइक्रो न्यूक्लियस बड़ा वाला जो न्यूक्लियस रहता है वो बाकी सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है लेकिन जो छोटा वाला होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है बात समझ में आ रही है तो इसी के थ्रू आप लोगों को ये नोट दिया गया है इन पैरामेशियम मेगा न्यूक्लियस ओनली डिवाइड बाय ए माइटोसिस वेरस माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये प्रॉपर डिवीजन करता है माइटोसिस का ठीक है नेक्स्ट

Already, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ये अमीबा है इसके अंदर एक अंडर को मल्टीपल फिशन बहुत सारे और उन के में, the, actually, uh, place, okay? तो ये बीच में न्यूक्लियस है और बाहर से सराउंडिंग यू कैन सी देर इज फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस ओके उसी को कहा जाता है सिस्ट और ये अनफेवरेबल कंडीशन में uh, जो न्यूक्लियर कंडीशन है न्यूक्लियस जो है उसको बचा के रखते हैं और जब भी सी रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाई मल्टीपल फीशन प्रोड्यूस मैनी बाय मल्टीपल फिशन प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा जिनको एक्चुअली स्पोर्स भी कहा जाते हैं एंड दे ग्रो टू फॉर्म ए मैच्योर अमीबा मतलब देखो ये एक पेरेंट है पेरेंट ने क्या किया है न्यूक्लियस को जो है ना वो प्रिजर्व कर लिया है क्योंकि कंडीशन बाहर की खराब है ओके okay? वो सिस्ट बना लेते हैं अपने सराउंडिंग में ओके दैट इज अ काइंड ऑफ थिक म्यूकस लेयर ओके और जब फेवरेबल कंडीशन आती है वो म्यूकस लेयर विल बी ओके म्यूकसोइंग मेनी मल्टीपल फिशन एंड द माइन्यूट ओके तो वो एक न्यूक्लियस थोड़ा सा न्यूक्लियसोप्लाजम लेके इट विल बी ग्रोइंग एज अ स्पोर्स ओके इट विल बी रिलीज स्पोर्स तो सूडो स्पोडियो स्पोर्स जैसी एक्टिविटी दिखेगी आप लोग को दे ग्रो एंड मैच्योर एंड दे बिकम लाइक अ मैच्योर अमीबा ओके आई विल शो यू ऑलग्राम्स इन डिटेल सो डोंबाउट डायग्राम्स ओके सो नाउ सी

ओके okay, इसलिए प्रोसेस को क्या कहा जाता है साइजोगोनी एंड सी डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस ओवर हियर कॉल्ड अ अट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके ना मल्टीपल फिशन अगर उस साइड में हो गया तो उसको बोलेंगे स्पोरोगोनी, here, Again, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्लाज्डियम जो है इट इज अलेरियल फिशन देखने मिलता है अगर मानो मल्टीपल फिशन साइजोइंट स्टेज पे हुआ तो इट विल्ड एजोग्यूस फ्रॉम हिस्सर दीज आर एक्चुअली मेरोजोइ्स ओके और मल्टीपल फिशन अगर उस में हुआ तो इट इज टर्म एजोरो

ज दर्ड कैटेगरी डिविजन ऑफ ए मल्टीन्यूक्लियर पैरेंट इंटू मल्टीन्यूक्टर ऑलरेडी इंडिविजअली विदाउट डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस मतलब यहाँ पेरियो पे नहीं हो रहा है ठीक है एंड लेटर ऑन टू में नॉर्मल नंबर ऑफ द न्यूक्लियर बाद में क्या हो जाता है देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ पहले प्लास्मोटोमी के लिए एग्जाम्पल आते हैं ओपेलिना एंड प्लियोमिक्सा प्लियोमिक्सा जो है उसको जायंट अमीबा कहा जाता है ओके ओपेलिना एंड प्लियोमिक्सा दिस आर ऑल एक्चुअली प्रोटोजोन्स मैं फिर से बता रहा हूँ प्लास्मोटोमी जो है इट इज एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टी न्यूक्लियट पेरेंट ओके इनके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ओपेलिना एंड प्लियोमिक्सा प्लियोमिक्सा को दूसरा नाम जायंट अमीबा के नाम से पहचाना जाता है दोनों के दोनों एग्जाम्पल है प्रोटोजोन्स के ठीक है अब मानो ये वो सेल है जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो ऑलरेडी कैरियोकाइनेसिस होने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे खाली साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और लोग और वो लोग इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो अनइकवली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है अभी मान लो देखो यहाँ पे कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स डॉट्स आई हैड मेड इन द दैरेंट सेल ओके नाउ थिंक अबाउट यर वन टू थ्री वन टू थ्री फोर सो यहाँ पे फोर है और यहाँ पे टोटल सेवन है इन देखोगे तो ऊपर थ्री है और नीचे फोर है ना फाइव है ठीक है अब यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे थ्री है बाद में वो जितना भी बाकी रह गया है ना वो लोग खुद का न्यूक्लियस बना लेंगे उतने नंबर में अरे ये बात समझ में जस्ट रैंडमली इट विल बी गेटिंग डिवाइडेड साइटोकाइनेसिस हो जाएगा उनमें और जितने भी कम हुए हैं

आपको पता है सारी चीजें इक्वाटोरियल रीजन पे अरेंज हो जाती है ठीक है और उसके बाद आ जाता है एनाफेस जहां पे जो क्रोमोजोम हो जाते हैं राइट सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाता है और बाकी एक बार सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कैरियोकैनेसिस हो जाएगा तो ये टीलो फेज है और टीलो फेज में साइटोकैनेसिस चालू हो जाता है एंड फाइनली यू गेट्स अ टू डॉटर अमीबा ओवर हियर बात समझ में आ रही है सो दिस इज व्हाट द इरेगुलर बाइनरी फेशन बट टेकन प्लेस थ्रू वन प्लेन इट ओके

And yes, the karyokinesis is also going to be takes place. So nuclear construction will be uh, taken place over here, and then things will be done. Okay. Now let's move ahead with another example. That is a transverse fission example. That is a paramecium. में देखा See, here there is an anterior contractile vacuole. Here there is a posterior contractile vacuole. This larger nucleus is there. Okay, and there is a smaller nucleus. Fine.

नाउ सी ओवर हियर यहाँ पे ऊपर हेड है नीचे नहीं है ना अगर ये बीच में से कट हो रहा है तो नीचे टेल पार्ट ही जा रही है ऐसे मानो तो टेल पार्ट विल बी गिविंग राइस टू द हेड अंडरस्टूड एंड हियर द हेड पार्ट विल बी गिविंग राइस टू द टेल पार्ट दिस इज हाउ द रिमेनिंग पार्ट विल बी गेटिंग सिंथेसाइज ओवर हियर सो दिस इज हाउ द प्लान एरिया विल बी अंडर गोइंग अ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अंडरस्टूड द डायग्राम ओवर हियर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल सी

तो ये जेनेटिक मटेरियल जाके मीजोजोम के साथ चिपक जाते हैं okay? ओके तो मानो रेप्लीकेशन का टाइम आया ये इनिशियली वन मीजो और ये दूसरा मीजोजोम ठीक है तो ये जो भी रेप्लीकेशन कॉपी बनी थी एक ये मीजोजोम के साथ जुड़ जाती है और दूसरी वाली दूसरे मिजोजोम के साथ जुड़ जाती है और बीच में से डिवीजन होना चालू हो जाएगा पार्टीशन बनना चालू हो जाएगा एंड दिस इज हाउ एक्चुअली आई विल बी गेटिंग द फाइनली टू डॉटर सेल्स ओके फाइनली आई विल बी गेटिंग टू डॉटर सेल्स ओके सो अंडरस्टूड वेरी क्लियरली

तो मल्टीपल फिशन मतलब क्या देखो यहां है बीच में न्यूक्लियस थ्री लेयर का हुआ है, तीन लेयर की पूरी थिकनेस देखो कितनी ज्यादा है ठीक है अब ये क्या है बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो चुका है ओके सो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्मेशन बीन टेकन प्लेस ओवर एंड इवन सिस्ट वॉल फॉर्मेशन इज प्रेजेंट ओवर Now, pseudopodiospore formation means what? The nucleus which was present inside that, it will be taking each nucleus will be getting a small, small, little, little amount of the cytoplasm. Okay, what what they will be received a small, small amount of the cytoplasm and they will be getting converted into spores, not exactly a spore-like structure. Therefore, it has been actually called as a pseudopodiospore. And during the favorable condition, outer membrane that cyst will be start dissolving. Okay, and this will be rupture, and the spores will be released out. That spores will be developed into the initially young amoeba, and finally they will be grow and mature to become an amoeba. Okay, so this is what the multiple fission will be seen in case of the amoeba during the unfavorable condition. That is a pseudopodiospore formation. Understood. So let's move ahead with the another one. See. Multiple fission in uncysted amoeba. Uncysted amoeba means condition is very good enough, okay, over here. So, see, a normal amoeba structure is there. Many nucleus will be there, okay, and the chromatin blocks and all so many labelings are there, okay. Now, see, again, a nucleus and the spores formation will be taking place over here. This is actually a spores, you can say. So, see, one spore that is nothing but having a nucleus. Having the cytoplasm and having the spore case. What do you mean by spores case? Means proper wall formation will be taking place, means proper nuclear membrane formation will be taking place. Okay. And when it is released out, okay, it will be acting like a new amoeba over here. Understood? So these are the things which you should understand from here. Examples are very easy. Okay. Just practice the diagram. Rest everything will be dealt very easily. Now, see, this is the multiple fission in case of the plasmodium. Okay. So try to understand this part also now. This is a cyjoid si cells, okay? So syzogony si is the procedure. So see over here, daughter nuclei will be formed, right na? So those will be grow little bit younger in size, and then the cell will be getting ruptures, and many merozoites will be released out. What are these merozoites? These are only the causative agents, you can say, causative stage of the malaria, okay? Merozoites, okay. So now we are entering into the budding fission part has been discussed, okay? That all thing has been covered over here. Now let me. take you with the new topic that is the budding now what is budding over here daughter individual is formed from a small part of the bud arising from the parent body okay to so, parent ke body ke upar bud formation hona aur wo tab tak parent ke sath jude rehna jab tak wo ability gain nahi kar lete mature ho nahi jate और एक बार mature हो जाते हैं तो वो parent body से detach हो जाते हैं और finally they grow as a new individual okay independently so dekho सबसे पहले बर्डिंग का जो टॉपिक आता है तो सबसे पहले माइंड में आपके ईस्ट वाला एग्जाम्पल क्लिक होना ही चाहिए है ना जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है तो सी न्यूक्लियस न्यूक्लियस माइटोसिस एंड शिफ्टेड द बर्ड बर्ड मतलब bird के अंदर को uh, nucleus, जो न्यूक्लियस होता है मेन पेरेंट न्यूक्लियस जो होता है वो स्प्लिट होता है माइटोसिस करके और वो शिफ्ट किया जाता है बर्ड में ठीक है सो इज देक्वल डिविजन ड्यूरिंग द बर्डिंग दिस बर्ड इज एक्चुअली अ स्मॉल ग्रो एंड सेपरेट

bird grow and separate inside in, cy in cycon. that is a porifera member bird will form a many colony straightforward question which is asked in the examination okay very straightforward question in hydra the bird will grow and separate but in case of the cycon, the bird will form a colony okay such kind of questions can be asked in the examination so you should be very alert and these are the actually example goes for the exogenous kind of budding. okay now, let's move ahead with respect to the endogenous budding again always remember here the sponges porifera will be playing an important role over here. Therefore it is also called as the internal bud the gemmule formation will be taking place. What is this gemmule? It is a actually pot like structure. Okay, we will be seeing the diagram how this gemmule look like actually okay and that gemmule is responsible for giving rest to the actually new organisms. Okay. So let's move ahead trying to understand this part. सी फ्रेश वाटर जो स्पॉन्जेस होते हैं इनका हमेशा एग्जाम्पल स्पला होता है हम लोगों ने क्लास में में इसको डील किया था राइट इन एनिमल किंगडम फाइलम ठीक है, है? Spondula, जो कि फ्रेश वाटर का मेंबर है इनके पास जो बर्ड होते हैं वो इंटरनल बर्ड होते हैं एंडोजिनस बर्ड होते हैं जिनको जेम्यूल्स कहा जाता है इट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स वही जिनको ग्रो होना है आगे जाके तो उनको कहा जाता है आर्कियोसाइट्स क्या बोला जाता है इसको आर्कियोसाइट्स

इज स्ट्रोबाइलेशन, ओके स्ट्रोबाइलेशन यहाँ पे हमको याद रखना है कि ओरेलिया हमको पढ़ना है डेट इज जेलीफ़िश हमको पढ़ना है सो so, स्ट्रोबाइलेशन के लिए एग्जाम्पल आएगा जेलीफिश बी अलर्ट फ्रॉम दिस एरिया ओके रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर से देखो. Repeated जब सेगमेंट बनती है ना तो एक्चुअली बॉडी सेगमेंटेड दिखने लगती है जिसको एक्चुअली स्ट्रोबाइला कहा जाता है ओके लार्वा ऑफ इच सेगमेंट विल बी कॉल्ड एज अफायरा इनिशियल लेवल पे जो लार्वा डेवलप्ड होता है उसको इफायरा कहा जाएगा विच इज सीन इन केस ऑफ द

एग्जाम्पल स्पॉन्जेस है सी एनिमोन है सी एनिमोन अगर पूछा जाएगा किस में आता है तो सिलेंट्रेटा में आता है इकैनोडर्म्स है पार्ट ऑफ सेंट्रल डिस्ट डेवलप्ड इन टू द स्टार फिश दिस इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड राइट मैंने बोला था आप लोगों को कि उनके पास टू नर्व रिंग्स होते हैं राइट टू नर्व रिंग्स एंड दीज आर दाइव आर्म्स लाइक दिस थोड़ा सा पार्ट लेके डिटैच हो जाता है तो वो पूरा डेवलप कर सकता है मानो खाली ये खाली एक्सटर्नल आर्म निकल गया विदाउट दिस पार्ट ऑफ द सेंट्रल डिस्क इट विल नॉट बी गोइंग टू गिव राइज टू ना क्योंकि वो एबिलिटी उसने गेन नहीं की है ओके दैट विल बी डेड

जिम में नाम सुनी ही लिया है तो आप लोगों को याद आना चाहिए हम लोगों ने स्टडी किया था राइट जिम्मा कप के नाम से है ना तो ये आपको ध्यान रखना है जो कि ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन इट गेट डिटेच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ये डायरेक्टली अपने आप ग्रो करने की एबिलिटी दिखा दे काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑल्सो यू कैन से ओके नेक्स्ट रीजनरेशन यस yes, आपको पता होता है लाइक like, री बोलने से ही आप लोगों के दिमाग में वो का तो गया होगा कि उसके को करो तो तो उसमें वो फिर से बना लेता है, अभी पे इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, देखो रीजनरेशन दैट इज नथिंग बट रीग्रोथ ऑफ ए इंज्योर्ड रीजन ओके इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स री जनरेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स पहला एग्जाम्पल आ रहा है आपके स्क्रीन पे दैट इज अफेल मतलब अगर होल बॉडी विल ग्रो

डेट इज ऑफ मोर्फेलेक्सिस एपी के बारे में बात करें तो खाली रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस बॉडी पार्ट जो की दो तरीके से होते हैं ओके okay, तो यहाँ पे लेजर्ड एक तो एग्जांपल आ ही जाता है तो एक होता है रिपेरेटिव और एक होता है रिस्टोरेटिव रिपेरेटिव में आता है सर्टेन डैमेज कैन बी रीजनरेटेड अगर थोड़ा बहुत डैमेज पार्टिकल वगैरह रहेगा डैमेज पार्ट रहेगा उसको डील किया जाता है उसको रिपेयर किया जाता है अगर मानो पूरा वो पर्टिकुलर लाइक टेल टेल ही गायब है तो वो फिर से बनाने पड़ेगी सो रीडेवलप्ड द बॉडी पार्ट विच हैजिन लॉस्ट नाउ हैजू बी रीडेवलप्ड अगेन ओके तो एग्जाम्पल है ब्रोकन टेल ऑफ द वॉल लेजर्ड दिजर्डर बात समझ में आ रही है ना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ओके नेक्स्ट

ओके okay, इनको नेकेड कहा जाता है कोई कवरिंग वगैरह नहीं होती एग्जाम्पल लोअर फंजाई आर दियर तो लोअर फंजाई में कौन आता है लोअर फंजाई का मतलब क्या है एसेप्टेड राइट एसेप्टेड हाइफे यही हम लोगों ने सीखा है ना और फाइकोमाइसिटीज के मेंबर कौन है तो सी एकाला फिर सैप्रोलिंग ओके देन एलब्यूगो इज फाइटोपथोराजर

है ना पेनिसिलियम नोटेटम में हम लोगों को याद रखना है कि एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है और दूसरा जो एग्जांपल हम लोगों ने एस्कोमाइसिटिस में डील किया था डेट इज ऐस्ट ओके सो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है पेनिसिलियम जो है वो मल्टी सेलुलर है ये सारी बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ ओके okay? और यहाँ पे जो कोनिडिया होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं इसलिए इनको एक्जोजिन बनाया जाता है ये डिस्पर्स होते हैं इसलिए इनको कोनेडिया फोर के ऊपर बनाया जाता है के ऊपर देखो जैसे कि अगर मैं ये ड्राइंग पे स्क्रीन पे ये ये है और इसके ऊपर ऊपर इस तरीके से अरेंज रहते हैं एक एक के ओके याद करने की कोशिश करो डोंट वरी अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं डायग्राम दिखा दूंगा उससे आपका काम बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट जो स्क्रीन पे आ रहा है क्लाइम स्पोर्ट नाम से ही पता चल गया रहेगा ये किस में होते हैं तो थिक वॉल प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइफल सेल ओके मे बी टर्मिनल और मे बी इंटर स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल With stand in unfavorable condition, example, rhizopus, agaricus, देखो, आ चुके हैं पे, right? तो वगरा, वगरा, हैं पे पे, स्क्रीन तो वगैरह वगैरह आते आपके पास. ठीक है? ओइडिया मतलब क्या एगेरिकस हाइफा ब्रेक इन टू द फ्रेगमेंट कॉल इज अडिया तो हाइफे जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हो जाएंगे उन फ्रेगमेंट्स को हम लोग ओइडिया वर्ड यूज करते हैं क्या इनको तो अपनेट्स okay? तो हैं उनके ऊपर बर्ड बना लेंगे एंड बाकी की सारी चीजें जो है वो ग्रो करने लगेगी स्पोरजियो सी स्पोरजियो स्पोर्स एंडोस्पोर्स एंड आर नॉन मोटाइल इन साइड द स्पोरजिया विंड Okay? तो बनेंगी और उसके अंदर फाइन दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड वंस इट विल बी रपचर फ्रॉम द आउट साइड द स्पोर्स विल भी रिलीज आउटर साइड ओके ऐसे करके हम लोगों ने एक डायग्राम सीखा था ओके okay? नाउ अभी सारी जितनी भी हम लोगों ने डिटेल स्टडी की उन सबके डायग्राम्स अभी प्रोवाइड कर रहा हूं तो अभी ध्यान देना, इन देखो किस तरीके से काम हो रहा है अनइक्वल तो डिविजन हो होता है okay? तो थोड़ा सा कंटेंट न्यूक्लियस का मदर सेल like के साथ अटैच रहता है और वंस इट इज गेटिंग मैच्योर इट विल बी डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो एज ए इंडिविजुअल ठीक है तो बडिंग का डायग्राम आपके स्क्रीन पे क्लियर हो गया चलो अभी विद रेस्पेक्ट टू द भी देख लेते हैं तो देखो एग्जाम्पल आ गया है एक्सटर्नल इन केस ऑफ द साइकॉन इज साइफा ओके तो सी ये बॉडी दिख रहा है आप लोगों को तो यहाँ पे ये बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है अभी एक्सटर्नल बर्डिंग समझने के बाद देखो बर्डिंग इन केस ऑफ द हाइड्रा अगेन एक्सटर्नल ओनली तो यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड दिख रहा है डेवलपिंग बर्ड फिर वो और अच्छे से डेवलप हो रहा है एंड फाइनली इट इज गेटिंग डिटेच ओके सो ये हाइड्रा का हो गया नाउ

और फिर ये जो बीच में आप लोग जो dotted cells देख रहे हो, न्यू इंडिविजुअल्स कॉलोनी ओके तो ये क्या हो जाता है जब ये जेम्यूल जो कि एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है ना तो ये जब जेम्यूल बाहर निकलता है तो ये माइक्रोपायलर रीजन जो है ना नीचे के डायरेक्शन में होता है ओके okay?

और थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे डेवलप्ट होने के लिए ये आपको बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है ओके okay? तो ये जो छोटे छोटे आप लोग सेगमेंट्स देख रहे हो ना जो यहाँ पे बनाए थे सेगमेंट्स वो ही आगे जाके ये बर्डिंग स्टेज में डेवलप्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे ये ऐसे एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं ओके नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट एग्जांपल ऑन द स्क्रीन दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल गिवन टू यू

डील कर चुके हैं ये रहे हैं तो ये ये है, और इसके ऊपर कोनेडिया फॉर्मेशन हो रहे हैं तो एक कोनेडिया ऐसे कुछ बाहर दिखाया है ठीक है और ये ही ऐसे जर्मी जर्मिनेटिंग दिखाए हुए हैं तो कोनेडिया कैसे जर्मिनेट होते हैं ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है और ये जो आप लोगों ने नॉर्मली देखा ही है, है ना That is a और कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट सी दिस इज एन ओडिया ओइडिया ओइडिया कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल रहा है सी ओवर हिस्सर एंड दिस इज वॉट द सी इट्स अडोमोनस ओके तो क्लाइमैडो स्पोर्स जिसको कहा जाता है फाइन अभी इतनी सारी बातें जो आप लोगों ने पहले सीखी थी वही सारी बातें यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब की है आगे वाले से हम से Reproduction, okay? से करेंगे अच्छे करो उसको को और सारे डायग्राम्स को है ना प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ओके okay? और सारे एग्जाम्पल्स को भी अच्छी तरीके से याद रख लेना बिकॉज एग्जाम्पल्स आर प्लेइंग वेरी वाइटल रोल ओवर योर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से लिए तभी के लिए Take care and bye bye.